हाय दोस्तों, मैं हूँ सुधाकर पांडे और हैं हमारा चैनल सुधाकर पांडे। आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऐसा प्लेस जो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या करता है कि हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट को और वाटर पॉल्यूशन को कम करने में। तो अभी मैं गया था टर्टल ब्रीडिंग सेंटर और वहाँ पे जो कछुए हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और वहाँ से जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उन्हें ले जाकर गंगा या फिर जो भी पास की रिवर होती है उसमें उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वो क्या करते हैं कि वहाँ से जो भी पॉल्यूशन होता है उसको वो कुछ हद तक कम करते हैं। लेकिन जो तस्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको मार के उनकी जो भी स्किन होती है उसका वो यूज़ करते हैं उनकी तस्करी में। तो मैं गया था तो मैंने वहाँ पे देखा, बट वो पूरी तरह से कवर्ड था, दिखा तो कुछ नहीं। बट अगर हम लोग मई जून में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उस समय वहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं टर्टल्स के वो वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि वहाँ पे एक अलग से बनाया गया है टर्टल्स फीडिंग के लिए, तो उस रूम में वो टर्टल्स सारे क्या होते हैं रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग उनको देख सकते हैं। तो चलिए आगे आप लोगों को हम दिखाते हैं वीडियो में कि टर्टल ब्रीडिंग सेंटर कैसा है। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, कोई भी सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाते ही देखेंगे कि क्या है कैसा है। तो ये इसका गेट है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अंदर अपने जा रहे हैं और ये अंदर के सामने जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ के जो भी लोग हैं एम्प्लॉइज उनकी बिल्डिंग है और वो यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो लोग रहते हैं। अभी इसके बाद आगे थोड़ा सा जाएंगे तो एक और बिल्डिंग है जो स्पेशली टर्टल ब्रीडिंग के लिए बना हुआ है। एक रूम है छोटा सा, इस रूम में ही ब्रीडिंग होती है। और इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे अभी दिखेगा, अभी आप लोग आगे चलिए तो दिखेगा। तो ये उस तरफ देखिए वो टर्टल ब्रीडिंग रूम है। और अगर ये इसके बगल से ही ये नेट से बना हुआ पूरा पार्ट है, इसमें आप देखिए यहाँ पे तो एक कछुआ दिख रहा होगा, कछुआ वो दिख रहा है। अब ये पूरी तरह से कवर्ड है इस वजह से हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप आके पास से देखेंगे तो देखिएगा। लेकिन अगर ये खुला रहता तो लोग इसको देखते, थोड़ा अवेयर होते, इसके बारे में जानते तो कहीं ना कहीं वो ट्राई करते प्रोटेक्ट करने की इसको। लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं तो लोग उस चीज़ पे उतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये किस तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह का बना हुआ है, पूरा एक नेट से कवर्ड पॉन्ड की छोटे से पॉन्ड की तरह से बना हुआ है, जिसमें जो भी मैच्योर टर्टल्स होते हैं, जो भी टर्टल बड़े हो जाते हैं थोड़े, जो बच्चे रहते हैं वो तो ब्रीडिंग रूम में रहते हैं, लेकिन जब थोड़े वो बड़े हो जाते हैं तो उनको इनके अंदर रखा जाता है। और इनके अंदर से फिर जब वो और थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो उनको ले जाके वो नदी में छोड़ देते हैं। और नदी में जब वो छोड़ देते हैं तो वो उनको वहाँ पे जो भी पॉल्यूशन उसमें होता है मेनली टर्टल्स उसको खा जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। और आपने कभी देखा होगा तो एक्वेरियम में भी लोग टर्टल रखते हैं, क्योंकि जो भी काई होती है, एल्गी होती है, उसको ये खाते हैं। और ये है कुछ अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह का, इसमें सारे टर्टल्स रखे हुए हैं। तो अभी पहले ये खुला रहता था लेकिन अभी ये पूरी तरह से कवर्ड कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा रीज़न था। तो यही था। अभी इसके बगल में अगर हम लोग देखेंगे आगे तो कुछ रूम्स भी हैं राइट साइड में, और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो सारे बगल में हमेशा रहते हैं। तो वो इस तरफ
इस तरफ ये जो दिख रहा है, इस तरफ पीछे रूम भी बने हुए हैं जहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज़ यहाँ के होते हैं वो सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे रहते हैं। तो यही था पूरा वीडियो, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ट्राई करें कि जो भी एनिमल्स हैं वो हमें क्या करना चाहिए, उनको हार्म नहीं करना चाहिए।